पिछले 40 घंटे 48 घंटे से माननीय मुख्यमंत्री जी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो अचानक से अलादीन के चिराग जैसे गायब हो गए। चार्टर अभी भी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे खड़ी है और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से अचानक प्रकट हो गए। तो ये अवतार जो हुआ है उनका 48 घंटे के बाद, ये 48 घंटे के अवतार का पीरियड जानना चाहती है जनता, जानना चाहती है कि झारखंड में ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई थी कि आप अपने सुरक्षाकर्मी, यहाँ के CAS, यहाँ के DGP, माने नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आप कैसे हो गए, कहाँ चले गए थे, ये रहस्य पूरा झारखंड जानना चाहते। आप आम आदमी नहीं ना है। आज मैंने उनके जो स्पोक पर्सन है उनका वक्तव्य सुना था, उन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति के भारत के संविधान में भी है कि भाई लोग जाएगा जहाज से तो भाई पैदल नहीं आएगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं। तो संविधान की बातें थोड़ी हो रही है। आप कह रहे हैं कोरोना काल में 2000 किलोमीटर से लोग पैदल आए हैं, हमागोड़ी दे के आए हैं, तो मुख्यमंत्री चल करके भाग करके आए, ऐसा कौन सा उन्होंने पाप किया है कि मुंह छिपा करके भागे फिर रहे हैं, ऐसा कौन सा ऐसा पाप किया है, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अंतरात्मा को कचोट रही है, खुल करके कह दीजिए ना। ED के डर से ये झारखंड के मैंने उन तमाम वीर अमर शहीदों का अपमान है जिन शहीदों ने कभी तोप और बंदूकों की गोलियों से नहीं डरने का काम किया, अपना सीना जो है तान करके अपने सीने पे गोलियां खाई, लेकिन झारखंडी और झारखंडियों का अपमान कभी उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। और आप साधारण एक नोटिस का जवाब नहीं देने के चलते इस तरह, इतना डरपोक मुख्यमंत्री तो कभी नहीं देखा। कहने के लिए तो आप कागजी शेर बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा भाषण देते हैं, झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं, और ऐसा भाग जाते हैं कि अब क्या बोलेंगे। इनके लिए ऐसा है कि इनको अपनी गलतियां कभी दिखी नहीं है, इन्होंने अपने कुकर्म इतने कर लिए हैं, इतनी ज़्यादा इन्होंने कानूनों को तोड़ा है और इतना ज़्यादा अपने आप को फंसा हुआ पाया है। और भी चीज़ें बाहर आएंगी मुझे लगता है, आपके घर से नकद मिल रहा है, आपकी गाड़ियां लेके जाई जा रही है, मुख्यमंत्री के पद को आपने इतना घिना दिया है झारखंड में, इतना उसमें जो है झारखंडियों का, झारखंड के लोगों का इतना ज़्यादा आपने कलंक और कालिख पोता है मुख पे, आपको स्वतः जो है इस्तीफा दे देना चाहिए और बोल देना चाहिए। हम चाहती है 48 घंटे आकर मुख्यमंत्री जी थे कहाँ, अब वही तो जानना चाहते हैं। अरे उनको बताना होगा, वो झारखंड के मुख्यमंत्री है, 3.5 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। आप पूरा नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जाता अगर अगर यदि कहीं भगवान ना करे कहीं यदि कोई यदि घटना दुर्घटना हो जाती तो सारा एलिगेशन BJP आप लगाते। आप मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसे गायब नहीं हो सकते हैं। आपको बताना होगा कि भाई आप 48 घंटे राज्य को इस तरह से नेतृत्व विहीन छोड़ करके, कोई फैसला यदि कुछ घटना होता झारखंड के अंदर तो कोई नेतृत्व कोई नेता उसमें डिसीजन लेने वाला नहीं था, आपके ना सुरक्षा एजेंसियां, ना DGP, ना सिविल आपका चीफ सेक्रेटरी, कोई आपको खोज नहीं पा रहा था। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक और क्या हो सकता है।